हेलो फ्रेंड्स, इम्पल्स आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल ही जाता है उन पर क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर एज इम्पल्स आईएएस एकेडमी, और एफबी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं एज इम्पल्स आईएएस एकेडमी, राइट। सो आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो पहले जो हम रिपोर्ट्स देखेंगे वो देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, और वर्ल्ड बैंक के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल 189 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, और 173 जो कंट्रीज़ हैं वो उसकी IDA मेंबर्स हैं। इसको कब बना गया था? इसको जुलाई 1944 में बना गया था। इन सबसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स की, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं। पहली है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है UPSC का और स्टेट सर्विस कमीशन्स का। बहुत से एग्ज़ाम में आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। थर्ड है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, इसमें कंट्रीज़ में कितना रेमिटेंस आया, तो ये सारी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बहुत सारे कमीशंस का। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट, सो ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, आपको इस रिपोर्ट का नाम देख के लग रहा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, लेकिन आपको याद रखना है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। सो ये कुछ रिपोर्ट्स थी जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हैं उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इन सब के बारे में तो क्वेश्चन आता ही है। लेकिन यदि और किसी रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, तो आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नाउ हम बात करते हैं MCQ, जो कि 2016 में UPSC के द्वारा पूछा गया था। वह था इंडियाज़ रैंकिंग इन द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज़ समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग। तो आपको बताना है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा वर्ल्ड बैंक। सो फ्रेंड, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल इम्पल्स IAS अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।